इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये डॉक्टर इसका प्लगइन किया हुआ है, ठीक है, और ये साथ में इसकी चार्जिंग लाइट की ऑप्शन होती है, तो इसकी चार्जिंग की जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही, चार्जर इसका बिल्कुल ओके है, वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये पावर वाला बटन जो है ये हम पुश कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई लाइट वगैरह इसकी ऑन नहीं हो रही ये साइड से भी, ठीक है, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है अभी फ़िलहाल। तो चलें इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, प्रोबुक है, इसका मॉडल नंबर है HP प्रोबुक 440G5। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडैप्टर इसका प्लगइन किया हुआ है, ठीक है, और ये साथ में इसकी चार्जिंग लाइट की ऑप्शन होती है, तो इसकी चार्जिंग की जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रही, चार्जर इसका बिल्कुल ओके है, वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये पावर वाला बटन जो है ये हम पुश कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई लाइट वगैरह इसकी ऑन नहीं हो रही ये साइड से भी, ठीक है, तो बिल्कुल डेड कंडीशन है अभी फ़िलहाल। तो चलें इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसका कवर है, इसकी आड़ लगी हुई है सादी, और ये M2 कार्ड लगा हुआ है। कीबोर्ड उतारा है इसका, तो अब जो है ना इसकी सी पैनल के स्क्रीन ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ले जी इसका सी पैनल भी ओपन हो गया, तो ये मदरबोर्ड हमारे सामने आ गया इसका, ये चार्जिंग है, सबसे पहले इसका चार्जिंग लगाते हैं, ये चार्जर प्लग इन की है, इधर वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज आ रहे हैं इसके या नहीं। ये रेड है, इधर वोल्टेज आना चाहिए 19 वोल्ट आना चाहिए चार्जर के, तो ये 19 वोल्ट आ रहे हैं चार्जर के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज चार्जर के आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम काम करेंगे कि ये जो सेल है इसका CMOS है, ये हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, एक तो ये हमारी फैक्ट्री रीसेट होगी, दूसरे नंबर के ऊपर ये जो बैटरी इसकी लगी हुई है, ये बैटरी भी हम जो है ना बाहर निकाल लेंगे, उसके लिए हमें ये ओपन करना पड़ेगा। ये बैटरी भी हमारी जो है ना बाहर आ गई है, अभी ये CMOS भी उतार दिया हमने और बैटरी भी इसकी जो है ना हमने उतार दी है, तो ये हो गया फैक्ट्री रीसेट। अगर फैक्ट्री रीसेट का कोई प्रॉब्लम हो या फिक्सिंग हो बैटरी की या चार्जिंग जो है ना ओवरक्लॉक हो जाए,
या ओवरलोड हो गई चार्जिंग की, तो फिर भी यही इशू आता है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इसको अडाप्टर को प्लग इन, तो ये चेक करने की लाइट ऑन हो गई है इसकी, ऑन हो के तो फिर ऑफ हुई है। ये फैन भी इसका थोड़ा सा चला, तो थोड़ी देर हम रुकेंगे कि ये टर्निंग ऑन होता है या नहीं होता। इसका जो पावर वाला बटन है वो ये लगा हुआ है, अच्छी डिस्प्ले इसका आ गया, टर्निंग ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये हमने फैक्ट्री रीसेट किया, सिर्फ सीमोस और बैटरी उतारी है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। ये सीमोस ख़त्म हो जाए, इसका बैटरी ख़त्म हो जाए, तो ये जो है ना पावर सेविंग कर लेता है, उसके बाद बैटरी जो है ना वो चार्जिंग बंद कर देती है। तो अभी इसको मुकम्मल जो है ना हम सेटिंग वगैरह करके मुकम्मल बैटरी वगैरह लगा के इसको, तो फिर चेकिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लगा लेंगे बैटरी, बिस्मिल्लाह। अच्छी बैटरी लग गई है, तो ये चेक करें जी, वाइट कलर से ऑरेंज कलर आ गया इसका, यानी कि चार्जिंग बैटरी की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी इसका सेल भी चेक कर लेंगे, सेल के वोल्टेज पूरे हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह, सेल के वोल्टेज तो पूरे लग रहे हैं, 3 वोल्ट पूरे हैं सेल के। ठीक है, सीमोस के 3 वोल्ट पूरे हैं, तो अब सीमोस भी हम इसका डाल लेंगे ऊपर। ठीक है, तो बैटरी बिल्कुल डेड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको थोड़ी सी चार्जिंग होने देते हैं, उसके बाद जो है ना इसकी सेटिंग करके फिर उसको पैक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ले जी ये कम्प्लीट पैक की है, तो ये इसको टर्निंग ऑन करते हैं। तो पावर की लाइट जो है ना ऑन हो गई है, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है, प्रॉपर जो है ना विंडो भी इसकी रन हो रही है। ये कंप्लीट ओके है, आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।